आज हम बनाएंगे पालक की सब्जी। नमस्कार, मानपूर्णा फूड एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ग्रीन ग्रीन बढ़िया ढाबे स्टाइल बढ़िया पालक की सब्जी, वो भी घर के सामानों से। देखिए कैसे बनती है, बहुत ही सरल विधि से आज बनाते हैं। तो की जगह चार चार रोटी खा जाएंगे आप, ऐसी सब्जी बनेगी आज हमारी। गैस पे हमने पैन चढ़ा दिया है, इसमें पानी डाल दिया उबलने के लिए। दो हरी मिर्चा डाली है, दो टमाटर डाला है इसमें, और जब पानी हमारा खूब उबलने लगेगा, पालक को खूब अच्छे से हमने धो के साफ करके रखी हुई है छन्नी में, उसका पानी निकल जाए अच्छे से। दो बार वॉश किए बड़े, दो तीन बार। अब इस पालक को इसमें डालेंगे ब्लांच करने के लिए। दो मिनट हमको ब्लांच करनी है पालक, बहुत ज्यादा नहीं उबालनी है हमको, पालक को बहुत अधिक नहीं उबालते हैं। बस पालक को खोलते हुए पानी में डालो और जो बहुत जल्दी ब्लांच हो जाती है। कलछी इसको पलट देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे पूरी पालक को, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है पालक। तो वैसे ही आयरन से भरी हुई, आयरन का मुख्य स्रोत है पालक, कब्जनाशक है, बहुत अच्छी है हमारी सेहत के लिए, तो बहुत ही फायदेमंद है पालक। पालक खूब खानी चाहिए, हमारी कैल्शियम की कमी को पूरा करती है, हमारे आयरन की कमी को पूरा करती है। देखो पालक हमारी उबल गई है, टमाटर भी उबल गए इसमें हमें। अब पालक को निकालेंगे, हमने भगोना रख लिया है, उसमें पानी बर्फ डाल के ठंडा पानी कर लिया, एकदम ठंडा। पालक को हम जब ठंडे पानी में डालेंगे तो हमारा जो पालक का जो कलर है एकदम ग्रीन रहेगा, खराब नहीं होगा बिल्कुल भी, काली नहीं पड़ेगी हमारी पालक। अब ठंडे पानी में इसको डालते जाएंगे तो इसकी जो गर्म होने की प्रोसेस है वो रुक जाती है, एकदम से कूल हो जाती है, टेम्परेचर एकदम उसका लो हो जाता है और बहुत प्यारा कलर आ जाता है पालक का। नेचुरल कलर जो होता है वो वैसा ही रहता है। ठंडे पानी में निकाल दिए, हमने टमाटर भी निकाल के रख लिए अलग, इनको अलग पीस लेंगे और पालक हम अलग पीसेंगे। पालक को ग्राइंडर में डाल लिया है, देखो इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। टमाटर अलग पीस लेंगे सब्जी के लिए, आज हम पालक की लहसुनी पालक बनाएंगे मेरे स्टाइल में। ये पालक पिस चुकी है, देखो कितना सुंदर कलर लग रहा है इसका, कितना प्यारा कलर लग रहा है। गैस पे पैन चढ़ा दिया है हमने और इसमें तेल डाल दिया और एक बड़ा सा आलू काट कर रखा है हमने। आज हम लहसुनी पालक में आलू डालेंगे, छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं इनको, वॉश कर लिए। अब सारे आलू हम इसमें कायम डाल, इनको सब सेलो फ्राई करेंगे। मध्य आंच में मीडियम आंच रखिए, बहुत तेज नहीं बहुत मध्य नहीं, कि हमारी जले भी ना आलू और हमारे आलू बढ़िया क्रंची से भी हो जाए बढ़िया। जब सब्जी खाते हैं ना तो मुंह में छोटे छोटे से पीस आते हैं आलू को, आलू भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, ये लगता है खाती हूँ जब, बहुत टेस्टी लगती है सब्जी इसके। अब पालक पनीर बना रहा हूँ, पनीर अवेलेबल नहीं है घर में, उन्हें तो आलू डाल के बनाओ बढ़िया, छोटे छोटे से पीस डाल दो और बढ़िया अपनी लहसुनी पालक बनाओ, बहुत टेस्टी बन जाती है। हमारे सेलो फ्राई हो गए हैं, उनको निकाल लेंगे हम, जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा तेल होगा उसको भी निकाल लेंगे, अपने सब्जी के अनुसार तेल रखेंगे इसमें। और जो आलू हमने जो सेलो फ्राई किए उनको पानी में डाल देंगे, इससे क्या होगा ये हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। सादा पानी में डाल दिए और उनका जो तेल है वो भी निकल जाएगा। एक चम्मच जीरा डाला है, एक बड़ा सा प्याज डाला है छोटा सा बारीक कर करके, और इसको भून लेंगे अच्छे से, बहुत तेज आंच में नहीं भूनना है हमको, मीडियम आंच में भूनेंगे, आराम आराम से चला करके। इससे हमारे प्याज का मीठापन बना रहता है, सुनहरा होने तक तलेंगे हम प्याज को अच्छे से। ये हमने दो हरी मिर्चा
और 5-6 कली लहसुन की काट कर रखी थी वो भी इसमें डाल दी है। जो टमाटर हमने उबाले थे उनको भी काट कर उनकी भी प्यूरी बना के रख ली है। थोड़ी सी हींग डालेंगे एक चुटकी, इसमें आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और जो टमाटर हमने पीसा था ना, दो प्यूरी आलू टमाटर वाले थे उसकी प्यूरी बना के इसमें डाल देंगे। अब टमाटर को बढ़िया भूनेंगे, इसमें बढ़िया अच्छे से, जब तुम्हारा टमाटर तेल ना छोड़ दे, मसाले को बढ़िया भूनेंगे। ग्रेवी हमारी तैयार हो जाएगी। आलू डाल देंगे इसमें, वो जो पालक पीस के रखी है वो भी इसमें डालेंगे। देखो कढ़ाई में तेल छोड़ दिया है, देखो टमाटरों ने, आलू डाल देंगे, और आलू डाल दिए, पालक भी डाल दिए, दोनों चीज़ें डाल दी एक साथ, और अच्छे से मिला लेंगे। पालक का कलर देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूब पालक खानी चाहिए, जब तक पालक आती है खूब खाना चाहिए, हमारी आयरन की कमी को पूरा कर देती है। वैसे पालक की सब्ज़ी बनाओ तो कोई नहीं खाता, मुंह बनाएंगे, बच्चे खाते ही नहीं है, और ऐसे आप बनाओ तो बच्चे आराम से खा लेते हैं और आयरन भी पहुंच जाता है। सब्जी खोलने लगी हमारी, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तड़का लगाएंगे इसमें, हमारा इसमें लहसुन तड़का लगेगा, बटर डाला है इसमें हमने, और एक चम्मच घी डाला है, और खूब सारे 10-12 कली लहसुन काट के रखी है महीन करके, वो इसमें इसमें तड़के में डालेंगे। एक चम्मच जीरा डालेंगे ऊपर से, लहसुन काट के रखा है हमने 10-12 कली, वो ऊपर से डालेंगे। लहसुन थोड़ा जाना सा डालना, तभी इस सब्जी में स्वाद आता है, बिना इसके स्वाद ही नहीं आता है। दो हरी लाल मिर्चा मैंने तोड़ के रखी है, वो इसमें डाल देंगे ऊपर से। हमारा कैसा तड़का तैयार हो गया है, लाजवाब, बिल्कुल एकदम ग्रीन ग्रीन पालक के तड़का जाएगा, वो गजब क्या लग रहा है, बहुत डिलीशियस। लहसुन पालक तैयार हो गई है, और एक चम्मच हमने शक्कर डाली है ऊपर से, इससे हमारी पालक का कलर बिल्कुल बरकरार रहेगा, जाएगा ही नहीं, ऐसे ही ग्रीन रहेगी सब्जी में। आप भी बनाइए, और हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके बताइए। अमेजिंग, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। ओके, धन्यवाद। सामने जो गोल बटन दिख रहा है उसको प्रेस करिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको। धन्यवाद, जय माता दी।